दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मिलेंद्र गौतम आज हूँ सीमापुरी विधानसभा। जी हाँ, सीमापुरी में हूँ और सीमापुरी में यहाँ पर अनिल सागर जी, जो कि बीएसपी पूर्व महासचिव रहे हैं दिल्ली प्रदेश के, वो आज मेरे साथ हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख से इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को मास्क भी बांट रहे हैं, कुछ खाने का सामान भी बांट रहे हैं, कुछ बना हुआ खाना भी बांट रहे हैं। ऐसा क्या आदेश कहीं ऊपर से आया या आप अपनी तरफ से भी कर रहे हैं? सबसे पहले सभी को जय भीम। मिलिंद्र जी, ऐसा कोई आदेश तो नहीं आया, पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो कुछ लोग मदद के लिए घर पे आए और उन्होंने समझा मुझे इस लायक, तो मेरे पास आए तो मुझसे जो भी प्रयास हुआ मुझसे, तो मैंने उनकी मदद की जी। और हमारे पूरे परिवार ने पूरा सहयोग दिया उसमें। तो हमने सूखा जो ड्राई राशन होता है वो हमने लोगों को दिया, और जब लोग जाते रहे लेके तो उसके बाद लोगों के पास मैसेज फॉरवर्ड होता रहा, तो उनके द्वारा जो और लोग थे, जो वंचित लोग थे जिनको ज़रूरत थी, वो लोग हमारे पास आते रहे और हम लोगों को, हमने कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया अपना, और जहाँ भी लोगों को ज़रूरत थी हमने घर पहुँचाने का काम किया। मतलब जिस तरह से लॉकडाउन है और संविधान के दायरे में रह के, सोशल डिस्टेंस को दायरे में रख के, हमने उनके घरों पर जो है अपना नंबर जारी करके हम लोगों को जिनको आवश्यकता थी उनको घर पहुँचाने का काम किया। और उसके बाद फिर लोग आते रहे, और आने के बाद फिर हमने, क्योंकि एक क्राइटेरिया था अपना जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ, साधारण परिवार संबंध रखता हूँ जी। उसके बाद हमने कुछ साथियों से बात की, तो साथियों से बात करने निवेदन किया उन लोगों से कि हमारे समाज के लोग जो हैं, यहाँ पर जो ये महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस है, हमारा समाज ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमारा समाज एक गरीब समाज है, उस समाज से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं जी। तो हमने कुछ साथियों से बात की, एक तो साथियों से बात की तो उन लोगों ने हमें मदद की, और अब जो कार्यक्रम जो चल रहा है वो सहयोग से ही कार्यक्रम चल रहा है, ना कि इंडिविजुअल हम अपने पहले आपने इंडिविजुअल किया था और उसके बाद आप फिर लोगों के आर्थिक सहयोग से भी काम कर रहे हैं और जो उन वो जो सामान दे रहे हैं उससे भी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये जो ड्राई राशन आप सूखा राशन जो दे रहे हैं, जो घर में जाकर के लोग अपना अपनी सहूलियत से बना सकते हैं, उसमें आप क्या क्या चीज़ें हैं राशन में, क्या क्या चीज़ें? उसके अंदर हम लोग दे रहे हैं आटा है, चावल है, दाल है, और जो मसाले होते हैं वो हम उनको पैकेट में बंच बना के दे रहे हैं जी। और फिर हम लोग अब जो है एक दिन में एक टाइम का हम भोजन भी दे रहे हैं लोगों को बना जी, के नाश्ता दे देते हैं। तो हम लोग एक टाइम का आप खाना दे रहे हैं उनको, एक खाने के लिए भी, हाँ खाने के लिए भी एक टाइम का हम दे रहे हैं, चाहे हम लोग डिनर दे दें या लंच दे दें, तो एक टाइम का हम दिन में खाना दे रहे हैं। लगभग कितने आदमियों को आप लोग ड्राई राशन बांट चुके हैं? हजारों की तादाद में हम लोग पैकेट बांट चुके हैं। और जो खाना खिला रहे हैं रोज, जो आप खाना खिला रहे हैं एक टाइम का, या तो सुबह या फिर शाम को, दोनों टाइम में से एक टाइम जो आप खाना खिला रहे हैं, ये कितने लोगों को खाना खिला चुके होंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, पर डे हम लोग लगभग 500 तक के बीच में एवरेज हमारी हो जाती है, इतने लोगों को हम खाना खिला देते हैं जी। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ खाने में जैसे बिरयानी हो गई, वेज बिरयानी हो गई, और दाल चावल हो गए, आलू की सब्जी और पूड़ी हो गई। पूड़ी तो शायद हलवाई ने बनाई थी, पर मैंने सुना है कि आलू की सब्जी और ये दाल वगैरह आप अपने हाथ से बना रहे हैं। तो मुझे शौक भी है बनाने का, और क्योंकि हम मिशन मूवमेंट में काम भी करते हैं जी, तो काफ़ी लंबा समय मिशन मूवमेंट में हो गया, तो जैसे चुनाव में भी हम लोग ड्यूटी लगी थी हमारे, चुनाव में अलग स्टेटों में भी लगी थी जी, तो मुझे पहले से शौक रहा है बनाने का, तो मैंने इसलिए मैं सीख भी चुका हूँ। चुनाव में जाते थे लगभग 50-50 आदमियों का खाना, 60-70-80-100 लोगों का खाना बनाता था मैं, तो थोड़ा सा इस तरह से शौक बन गया अपना, तो मैं खुद बना लेता हूँ और साथी हमारे वो भी मदद करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी लोग मदद करते हैं जी। रोज़ का मेन्यू भी हम लोग चेंज करते हैं, कभी कचौड़ी दे देते हैं, कभी बिरयानी दे देते हैं, कभी दाल चावल दे देते हैं, कभी कढ़ी चावल दे देते हैं, राजमा चावल दे देते हैं, इस तरह से हम लोग जो है पर डे जो है मेन्यू बदलते रहते हैं अपना। जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनकी आप सेफ्टी का ध्यान कैसे रख रहे हैं? बिल्कुल, देखो सेफ्टी का ध्यान रखने में हम लोग को मास्क भी दिए हैं हमने, और मास्क के साथ साथ उनको हमने ग्लव्स भी दिए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा हुआ है। और वो लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो बाहर के लोग हैं या बाहर आना जाना जिनका लगा रहता है, जो नौकरी वाले हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे पड़ोस के लोग हैं जी,
जो लोग मानव सेवा में विश्वास रखते हैं, सेवा भाव में विश्वास रखते हैं, तो लोग अपनी इच्छा अनुसार वो लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, मेरे साथ हाथ बटाते हैं और चले जाते हैं। तो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे बहुजन समाज के उन सक्षम लोगों के लिए जो इनकी हेल्प के लिए आगे आ सके? जी जी, मैं तो निवेदन यही करूँगा अपने बहुजन समाज के जो सक्षम सामर्थ्यवान लोग हैं कि ये समय है, ये दौर है, महामारी का जो दौर चल रहा है, ऐसे दौर में हम लोग समाज की जितनी मदद कर सकें वो कम है। और इसी यही जो समय है, इस समय समाज भी हम लोगों को देख रहा है, नज़र गड़ाए बैठा है कि हमारा आदमी आएगा और हमें मदद करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए भेदभाव की जो बातें हम लोग करते हैं, तो मैंने खुद देखा है कि हमारा व्यक्ति भी प्रभावित हुआ है, भेदभाव का शिकार भी हुआ है। गवर्नमेंट से जो भी पॉलिसी बन रही हैं, जो भी राहत सामग्री आ रही हैं, सरकार के जो चमचे हैं, जो गुर्गे हैं ना, वो लोग सिर्फ अपनी पार्टी के लोग, अपने कार्यकर्ता तक ही सीमित रख रहे हैं उन चीज़ों को। हमारा व्यक्ति तो वंचित है इन चीज़ों से, उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है सामग्री। अगर सरकार ये चीज़ें पहुंचा पाती, लोगों को राहत सामग्री दे पाती, उनकी मदद कर पाती, तो हम लोगों को आने की ज़रूरत नहीं थी। कोई शौक नहीं है हम लोगों को, हम लोग देख रहे हैं तो उसका, हम अपने समाज का दर्द समझते हैं, समाज का दर्द समझते हुए तो हम लोग बाहर आए हैं मदद करने के लिए। वरना ऐसी महामारी में, ऐसी बीमारी में हर लोग, सभी लोग दूरी बना रहे हैं। डॉक्टर खुद नहीं बच पा रहा ऐसी बीमारी से, लोग नहीं बच पा रहे हैं, प्रशासन के लोग नहीं बच पा रहे हैं, तो हम लोग भी कहाँ तक बच पाएंगे? पर जब ऐसा जुनून चढ़ा हुआ है मिशन का, ऐसा जुनून सर पर सवार है, तो कुछ नज़र ही नहीं आता। जी, जब देखिए, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज हैं, हम संतान हैं उनकी, हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग मनुष्य का परिचय दे रहे हैं, हम मानवता का परिचय दे रहे हैं। हम लोग जिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं हैं। बाबा साहब की संतानें जिंदा संतानें हैं, मुर्दा नहीं हैं। तो हम सिर्फ जिंदा होने का एहसास ही तो दिला रहे हैं। मैं यही अपील करना चाहूँगा अपने सामर्थ्यवान समाज के लोगों से कि वो लोग आगे आएं और लोगों की मदद करें। ये इतिहास में दर्ज होगा समय जी। ये समय इतिहास में दर्ज होगा और समाज आपको पलकों बिठाएगा। ये बड़े बड़े भाषण से, बड़े बड़े प्रोग्रामों से, बड़े बड़े प्रचारों से जो पैसा खर्च करते हैं हम लोग, बड़े बड़े मंचों पर पैसा लगा के जो पैसा खर्च करते हैं, आज समाज को ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। हमारा भी बजट था, अम्बेडकर जयंती पे हम लोग भी अपना बजट डिसाइड करते हैं, हमारा ही बजट था, हमने अम्बेडकर जयंती इस तरीके से बनाई। तो उसी प्रकार से जैसे लाइव लॉर्ड बुद्धा है, म्यूजिक प्रोग्राम करती है, इसने भी अपना जैसे अपना बजट बनाया है, इन्होंने भी बजट बनाया, मिलेंद्र जी ने, जहाँ तक मुझे पता है इन्होंने ही अपना बजट बनाया, इन्होंने भी लोगों तक, लोगों की सहायता करके ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बनाई है। तो इसी तरह से जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो समझते हैं कि बाबा साहब के कर्जदार हैं, वो लोग भी आगे आएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और समाज का जो आप लोग बजट बनाते हैं, अम्बेडकर जयंती का बजट बनाते हैं, कार्यक्रमों का बजट बनाते हैं, आप लोग 10-10 5-5 लोग इकट्ठा होके, जो भी लोग 500 देते हैं, 1000 देते हैं, 2000 देते हैं, आप लोग अपना बजट बना के और समाज के वंचित लोगों तक, जिनको ज़रूरत है, जो रेहड़ी पटरी वाले हमारे लोग हैं, जो हमारे किराएदार लोग हैं, हमारे मजदूर लोग हैं, वहाँ तक पहुँचें, उन लोगों की मदद करें, उन लोगों को ज़रूरत है। मैंने खुद देखा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संतानें हैं, आप लोग पहुँचें और आप लोग मदद करें और एक इंसानियत का परिचय दें, एक इंसान होने का परिचय दें। मेरा तो यही आप लोगों से निवेदन है कि आगे ये अम्बेडकर माह है पूरा, हम इसको अम्बेडकर माह को जो है एक हेल्प के रूप में मना रहे हैं, मदद के रूप में लोगों की मना रहे हैं, सहयोग के रूप में मना रहे हैं। तो आप लोग भी जैसे अगला महीना जो हमारा आएगा, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम अभी नहीं कर सकते हैं कानून के दायरे में रह के, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग जो हमारी बुद्ध पूर्णिमा जो अगले महीने आ रही है, वो भी हम लोग नहीं मना सकते। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वो भी बजट तैयार जो कर रहे हैं, उस बजट को भी समाज के बीच में रखें, समाज के साथ लगाएं उसमें जी, और लोगों की मदद करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें आप लोग। क्योंकि आज जो समाज है, मेरा मानना है कि समाज जो है वो जो दूसरे जो समाज के लोग हैं, जो मनवादी सोच के लोग हैं, जो हमारे लोगों को सहारा दे रहे हैं, उनका अपना अपना इशारा भी होगा। तो इसलिए हमारा समाज दूसरे का सहारा लेके उसके इशारे की तरफ ना जाए जी। तो हमें अपने समाज का सहारा खुद बनना पड़ेगा, वरना हमें नुकसान होगा, हमारे मिशन मूवमेंट को आगे जाकर नुकसान होगा जी। बिल्कुल, यही आखिरी में निवेदन है कि जो लोग मदद करना चाहते हैं, आएँ अपने अपने तरीके से, आएँ मदद करें और समाज के बीच में जाएँ, आपको खुद ना खुद ये बीमारी आपको दूर लगने नजर आएगी।
बिल्कुल ये बीमारी जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और समाज के हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अगर वो इस लायक है कि हम किसी की समाज के व्यक्तियों की हम हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल बढ़ चढ़ करके सामने आए, बीमारी से डरे ना, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें और साथ साथ इन लोगों का जो गरीब है, जो मजलूम है बेचारे, जिनको खाने को नहीं मिल पा रहा है, जो मजदूर आदमी है, उन लोगों की आप हेल्प जरूर करें और अपने घर पे रह करके भी अपने आप को सेफ जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम।